140 से ऊपर की स्पीड। पर क्योंकि इस टाइम वो ही रास्ता खाली मिलेगा, बाकी वरना ऑफिस है कोई बात नहीं। भाई बंदे गिरा दिया यार। वो किसी का सिंगल हैंडेड अर्निंग पर्सन हो सकता है, किसी के घर का, किसी का बेटा हो सकता है, कोई किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, मतलब कोई बात नहीं, गिर गया है। ये भी जानलेवा का दर्द, ये खुद जो डांस कर रहा है इसको ये समझ नहीं आ रही कि वहां जो भी साथ में चल रहे हैं उनके साथ क्या हो सकता है। भाई तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करनी है कहीं एक पीसफुल सी जगह, किसी सेफ जगह पे रिकॉर्ड कर लो, ऐसे तुम अपनी और आसपास वाले सबके लोगों की सेफ्टी से तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं लगता है उस टाइम, बट तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो। इस तरह की स्पीड पे विदाउट सीट बेल्ट, दिस गाय अगेन इज एन एपिटोम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग केयरलेस। ये तो जोगिंदर नहीं लग रहा है। गाइस, रजत दलाल एक पॉपुलर सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। इसने कई ऐसे पीछे भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इसको लेकर, जो हमने जिन पे बात करी है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए, बिकॉज बहुत ख़राब इन्फ्लुएंस पैदा होता है उससे। मैंने बात करी उस इंसिडेंट के बारे में जहां इसने एक छोटे बच्चे के साथ मोलेस्टिंग करी, बुलिंग करी। जब उस वाला सीन तो मैंने भी बहुत ध्यान से देखा था, जिम में इसको रोस्ट करके एक रील बना दी। उसके बाद कैरी मिनाटी ने जब, वैसे इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ था भाई, ये एक बंदे का लाइफ टाइम का ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा। रोस बनाया तो उसको थ्रेटन किया, तो कैरी मिनाटी ने उसका वीडियो ट्रिम किया। रजत दलाल ने कई लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे कई फाइट्स भी प्लान करी। प्लान रियल भाई, मैं पूरी सीरियसनेस के साथ देखता था, पूरे इंटरेस्ट के साथ। ये प्लान था सब कुछ, था कुछ फेक था। उसके बाद जब पुलिस वालों ने इनको हिदायत दी, पकड़ा, तो ये रस्ते पे आए, इन्होंने माफी मांगी। कहीं इन पे केसेस हैं। टोल तोड़ दिया, ओ भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो यार टाइम लगता ना मेरे पे कई बार। अच्छा, टाइम लगता है इसीलिए। ओ ड्राइव करते करते इनकी झड़प हो जाती है, वैसे भी केसेस हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो आ जाओ, तीन कुछ करिए ना, चालान काटने में काटो। एक बार मैकडॉनल्ड्स का केस भी हुआ, जहाँ इसने मैकडॉनल्ड्स का केस में, अब यही खाएंगे भाई, यही खाएंगे, बड़ी तेज से बातें करते हुए। ये वाली वीडियो तो मैंने भी देखी थी, पूरे मैकडॉनल्ड्स के ब्रांड को ही धमका डाला। ये भाई है मेरा और वो भी मेरा भाई। वैसे एक बात कहने वाली है भाई, रजत भाई कुछ ना कुछ दिन के बाद इनका कोई ना कोई सीन मार्केट में आ ही जाता है भाई। मतलब ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना कुछ ना आए, पर इनका कोई ना कोई सीन आ ही जाता है। ये दोनों मेरे भाई हैं, पर मैकडी मेरा भाई नहीं है। पहले बोलो जय जाट। यार ये बेचारे भी कुछ कह नहीं पाते यार। अब मैं तो कह रहा हूँ अगर रूल होता तो हम यही रूल तोड़ते। और अब उसके बाद एक और केस आया, जहाँ एक इन्होंने कोर्स बेचा, उसमें सर्विसेज ढंग से नहीं दी। उसके बारे में मेरी ऑलरेडी बात चल रही है, आई हैव अ जूम कॉन्वर्सेशंस लाइंड अप विद सम ऑफ हिज कस्टमर्स। पर अब एक और इंसिडेंट आया जो कि लग रहा पुराना वीडियो, पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कल दीपिका नारायण भारद्वाज, जो मेरी दोस्त है, मोहम्मद जुबैर, इन लोग, देखो ये वैसे रजत भाई ने डाला है वीडियो, की बहुत पुरानी वीडियो है, पर पुरानी है कोई बात नहीं, बट ये वाला सीन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई ये बहुत गलत तरह की ड्राइविंग है और इस तरह बहुत सारे लोगों को चोट पहुंच सकती है। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, पहले हो चाहे अब की हो, बट किसी को भी ये सब चीजें देख के इंस्पायर नहीं होना चाहिए। लोगों ने जब ये शेयर किया, कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स पे भी रीच आउट किया, कई लोगों ने मैसेज किया कि किसी बाइक को इसने हिट करके ये भागा है। लगा तो वही है, ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, पर पुराना वीडियो भी बताया जा रहा है, तो ये माइंडसेट दिखाता है, ये दिखाता है कि किस तरह का माइंडसेट है। और इसके बावजूद कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जिन लोगों ने कोलैबोरेट किया वो तो ठीक है, चलो तब तक लोगों, तब भी लग रहा था कि भाई ये बस यू नो सोशल मीडिया के लिए, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। पर ये इंसिडेंट्स आने के बाद भी जब लक्ष्य ने बयान दिया, तो मुझे बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि जहां मेरे बॉयकॉट की रिक्वेस्ट करने के बावजूद अगर लोग क्लीन चिट दे रहे हैं। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू में बात नहीं करता, बायस हो जाता है। दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है, मैं तो इस बात, इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता मैं। एलविश यादव
में भी। बट दोस्ती का एक ये मतलब भी है कि अगर वो आपका दोस्त गलत है तो उसको बताओ कि भाई तुम गलत हो, दोस्ती वो होती है। रजत दलाल के साथ मीटअप किया, कोलैबोरेट किया जाज खान को सबक देने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका साफ मतलब ये है कि लोगों को किसी आम आदमी के लिए चिंता नहीं है, पर उस आम आदमी के लिए मैं हमेशा खड़ा होता आया हूँ और आज भी खड़ा हूँ। बढ़ती जा रही है भाई स्पीड। 60 भाई भाई भाई, रैश ड्राइविंग हो रही है रैश। अब कुछ लगने वाला है। भाई ऐसे कौन चलाता है यार, 100 से ऊपर जा चुका है भाई। भाई चला ये रहा, डर मुझे लग रहा है। ओ साइड वाला बाइक वाला था, एक सेकंड उधर से आ रहा है। ओ भाई 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 भाई, दो बंदे थे यार शायद। एंड कुछ फर्क भी नहीं पड़ा भाई को, कोई बात नहीं। एटलीस्ट वहां पे रुकना तो चाहिए था भाई, अगर आपसे गलती हो गई है तो वहां रुको, उसको देखो सही भाई, उसे एक सॉरी बोलने में क्या जाता रुक के यार। अच्छा गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। अब वो क्या मतलब, जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं भाई, अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो कोई भी होता है इस जगह पे, वो रुकता जरूर। तो वीडियो एंड दस आई डू नॉट एंडोर्स एनी सच पीपल हु प्रोटेक्ट और कोलैबोरेट और थिंक दे कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे आर फ्रेंड्स विद दिस गाय। जहां की एक बंदे को एक इंसान की जान की भी परवाह नहीं है, उसको एग्जैक्टली कर देता है, उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता, पर पीपल विल स्टिल उसके साथ फ्रेंडशिप निभाना चाहेंगे। ये बहुत ही घटिया प्रेसिडेंट सेट करने वाला है ये चीज़, और मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं, और मैं इसको कॉल आउट कर रहा हूँ। तो मैं तो आज फिर से बॉयकॉट की ही डिमांड करने वाला हूँ। अब देखते हैं कौन लोग तब भी फ्रेंडशिप निभाएंगे। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक और चीज़ हुई है कि दीपिका के ट्वीट के बाद दीपिका ने इन्फॉर्म किया कि फरीदाबाद पुलिस ने उनको रीच आउट किया और बताया कि दैट दे हैव टेकन कॉग्निजेंस और वो उसको अरेस्ट करने के लिए निकलेंगे। अब ये बात होगी, अरेस्ट होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, मुझे लगता है सबको बॉयकॉट करना चाहिए। दूसरा, अगर रजत ये आगे क्लैरिफाई करता है कि ये पहले का इंसिडेंट है और अब वो इस चीज़ के लिए, वो तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया अपनी पोस्ट के अंदर कि ये पुराना इंसिडेंट है और अब का आसपास का कुछ है नहीं इससे रिलेटेड, बट फिर भी गलत है जो भी है, माफी मांगना चाहता है। तो वो आए सोशल मीडिया पे इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगे, चाहे पुराना वीडियो भी हो, और ये बताया कि अब वो ऐसा काम नहीं करता या नहीं करेगा। तीसरा, मुझे लगता है कि ये बता चुका है वो अपनी स्टोरी पे कि इस चीज से जो भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिकॉज कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कई लोगों की ऐसे बाइक सवार वालों की किसी ने मार के कोई चला गया और वहीं उन्होंने उसकी जान चली गई। पुणे पोर्शे केस में भी यही हुआ, ऐसा कोई अलग नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा केस बन गया। ये तो भाई वो वाला सीन हो गया कि मतलब तुम भाग गए हो वहां से, इसको हम इंडोर्स कैसे कर सकते हैं फिर। तो ये बहुत बहुत गंभीर विषय है और इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, सारी यूट्यूब कम्युनिटी को इस पर बात करनी चाहिए। दूसरा, ये एक और छुचुंदर, दिस गाइज आरी माना वेप जो भी कह लो इसको, जो जोगिंदर थाराभाई जोगिंदर, इसको बिग बॉस में भेज दो, इस तरह की हरकत कर रहा है। ऐसा जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं ना, मतलब बहुत ही ज्यादा चिल मोड में, तब भी नहीं करते हैं ऐसे। ये भी जानलेवा हरकत है, ये खुद जो डांस कर रहा है इसको ये समझ नहीं आ रही कि वहां जो भी साथ में चल रहे हैं उनके साथ क्या हो सकता है। भाई बहुत डेंजरस है ये, इस तरह की स्पीड पे विदाउट सीट बेल्ट, दिस गाय अगेन इज एन एपिटोम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग केयरलेस। तो जोगिंदर, हिम्मत की बात ये है, ये सब करने के बाद ये अपलोड भी कर देते हैं, थोड़ी शर्म कर और माफी मांग इस चीज के लिए। और इस बंदे को भी लगता है जोगिंदर के फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं इसीलिए ज्यादा खुश होगा, रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं तो इसको बिग बॉस में भेजो, क्योंकि इसको बिग बॉस में जाने का बहुत क्रेज है, इसलिए ऐसी हरकतें करता रहता है। बट अगर भैया वो जल्दी वापस आ गया फिर जाएगा तो इसके इसलिए सामने आएगी जैसे कई लोगों की और आई, तो इसको भेज ही दो, ये तो बिल्कुल ही। और जिस तरह ये शो चल रहा है ना, मुझे तो लगता है ये शो में दोनों, रजत दलाल और ये जोगिंदर, जाने वाले हैं
बिग बॉस को तो ये टिकट मिल जाएगी इस चीज की, लोगों का यही फेम है आज की डेट में, ऐसे काम करो, नेटवर्क बनाओ, कुछ लोग कोलैबोरेट करेंगे, साथ देंगे, फ्रेंडशिप निभाएंगे और फिर ये लोग रियलिटी ट्रूथ है भाई, ये सच है, हो रहा है ऐसा, शो तक चले जाएंगे और ये रियलिटी, और ये बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बहुत लोग, शो भी ऐसा ही है। और तभी मुझे हमेशा से मैंने ट्राई किया है कि इस रियलिटी शो की जो भी हादसे होते हैं इसमें जो लोग जाते हैं उनके असली चेहरे आपके सामने आए, क्योंकि ये समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है, बिकॉज इससे भाई कई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो नाटक, बिग बॉस मुझे दर्द हो रहा है, बिग बॉस हैं, उनके जो मास्क हैं जो पहन के वो अंदर जाते हैं और अपनी इमेज क्लीन करना चाहते हैं, वो उनको जो मौका ये शो देता है वो क्या वो डिजर्व करते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए इन चीजों का पर्दाफाश करना भी बहुत जरूरी है। गाइज, हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को क्या सपोर्ट करना चाहिए या उनको बस कंडेम और क्रिटिसाइज ही करना चाहिए? जरूर देखो, चीज ऐसी है, आप पास्ट में कुछ भी करते आए हो उससे फर्क पड़ता भी है नहीं भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप अब आगे सुधर चुके हो वेल एंड गुड, बट अगर कुछ आपसे गलती हो चुकी है तो उसको प्लीज, अगर कोई आके अपना सॉरी बोल देगा तो उससे कोई छोटा नहीं होता है, या फिर उसको रिग्रेट है उस चीज का, वो आके सबके सामने माफी मांग लेता है, तो उसको कर सकते हैं एक तरह से नलीफाई। बट एक तरफ मैं सोचूं तो जो वो बंदा गिरा था, क्या पता उसको कोई मेजर इंजरी आई हो, माइनर इंजरी हो, कुछ भी हो सकता है, बट उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तो प्लीज ऐसे रैश ड्राइव मत किया करो, रैश ड्राइव करने से देखो आपका भी नुकसान है, सामने वाले का तो नुकसान है ही है, खासकर जो टू व्हीलर पे जा रहे हैं, पता नहीं किस काम से जा रहा हो बेचारा, कोई इमरजेंसी में हो कुछ हो, तो प्लीज देख के चला करो, खुद भी अच्छे से ड्राइव किया करो, आराम से ड्राइव किया करो और दूसरों को भी इंस्पायर किया करो, भाई पहुंच जाओगे टाइम पे, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है भाई घर पे, कोई तुम्हारा कहीं पे वेट कर रहा है, आराम से जाओ, इजीली जाओ, कुछ नहीं रखा भाई तेज चलाने में, ये एक रश होता है भाई माइंड में कि हम तेज चला लेंगे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बट कोई फायदा नहीं है भाई।